अगर इस घर में मुझे किसी से परेशानी है तो वो शिवानी है। आज हल्दी को हाथ लगाते ही वो सांप के रूप में बदल जाएगी। ये इच्छाधारी नागिन है, मेरे दोस्तों की कातिल है, त्रिविक्रम की कातिल है, और अब त्रिशूल को इसी ने मारा है। अगर ऐसा इसने कह दिया तो शिवानी की कहानी फिनिश। आचार्य जी, ये हल्दी दुल्हा दुल्हन को क्यों लगाते हैं? देखो बेटी, इस कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन केंद्र बिंदु होते हैं, सबकी नजर उन्हीं पर होती है। कुछ की नजर अच्छी होती है तो कुछ की बुरी होती है। ये हल्दी जो है ना, बुरी नजर को साफ करने वाला भगवान का रंग है। इस हल्दी के लगते ही सारी बुरी नजर हट जाती है, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। यही इसका महत्व है। कुमकुम दूल्हे का प्रतीक है तो हल्दी दुल्हन का प्रतीक। दोनों को हल्दी लगाने पर इन दोनों की अलग आत्मा दो से एक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये शरीर की उष्णता कम करके शरीर और मन को शांत रखता है। तो फिर देर किस बात की, रस्म शुरू करते हैं। शिवानी आओ बेटा, शुरुआत तुम ही करो। घर में बुजुर्गों के होते हुए मैं पहले कैसे हल्दी लगा सकती हूँ? ओहो, तो पहले बुजुर्गों को लगाना होगा, उसके बाद ही तुम लगाओगी। ओके, दमयंती पहले तुम शुरू करो। अपनी बेटी को हल्दी लगाकर उसे जी भर के देखना चाहती थी, लेकिन ये शायद मेरी किस्मत में नहीं। छोड़ो ये सब, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। शिवानी अब तुम लगाओ। माँ वो मैं। शिवानी इतना क्या सोच रही हो, आओ बेटी तुम भी हल्दी लगाओ। मुझे हल्दी से एलर्जी है। ये क्या बात हुई शिवानी, सारी एलर्जीज की हल्दी ही दवाई है। तो फिर हल्दी से एलर्जी कैसी? हल्दी से कोई एलर्जी नहीं होती बेटी। वो क्योंकि दीदी हमारी खुशी का कारण सिर्फ आप ही हैं। आपके बिना ये रस कैसे पूरी हो सकती है भला? कृपा करके मेरे खुशी के लिए तो आकर हल्दी लगा दीजिए। हाँ बेटा लगा दो। आइए ना दीदी। आओ बेटी हल्दी लगाओ। हल्दी लगाओ शिवानी। आओ शिवानी हल्दी लगा दो। वो मैं सब जानती हूँ शिवानी, हल्दी लगाओ।
मोहिनी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस घर में इस माया के रूप में नहीं रह रही, मैं वहाँ पर नाग माता के रूप में रह रही हूँ। शिवानी सिर्फ और सिर्फ नाग माता की बात सुनती है, उसको उसकी राह से भटकाने के लिए और हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। लेकिन मैंने नाग माता का रूप लेने के बाद अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो शिवानी को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं, तुम और शेष नाग, हम मिलकर ये शादी करा रहे हैं, ये बात उसे पता चल गई तो हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आए, हमें ये शादी किसी भी तरह से करवानी ही होगी। और सबसे जरूरी बात, इस शादी के बाद नागमणि अपनी जीवात्मा से मिल जाएगी। तब यदि नागमणि शिवानी को प्राप्त हो गई, तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? इस माह में तो जरा भी हल्दी को हाथ लगाने से मुझे सर्प रूप में बदल जाना चाहिए था, लेकिन मैं बदली क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई परिहार नहीं है ऐसा नाग माता ने खुद कहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे हल्दी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका क्या मतलब है? कहीं वो मेरा राज सबके सामने लाना तो नहीं चाहती थी? नहीं नहीं, नाग माता ऐसा कभी नहीं सोच सकती। अगर वो ऐसा चाहे भी तो परेशानी सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी तो परेशानी होगी, उनके बेटे को भी परेशानी होगी। ना जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो सच में नाग माता ही है ना? कौन हो सकती है वो? ऐसे वक्त पर अगर अभय यहाँ होते तो मैं उन्हें मेरी उलझनें बता देती और मेरा मन शांत हो जाता। जब अभय ने कहा कि विशेष नाग है तो मैंने उन्हें डांट दिया था, शायद इसीलिए उदास होकर कहीं चले गए हैं। स्वामी जी ने भी विशेष नाग है या इंसानी परीक्षण करने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही। पता नहीं वो भी कहाँ चले गए। मेरी उलझनों को सुलझाने वाला मुझे कब मिलेगा? दोनों में से एक भी अगर मिल जाते तो मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल जाता, मेरी उलझनें सुलझ जाती, मेरा मन शांत हो जाता। कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगी, मैं दोनों को ढूंढूंगी। स्वामी जी, स्वामी जी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं स्वामी जी? हर बार जब भी मुझे परेशानी होती है, जब भी कोई उलझन होती है, तब आप मेरे सामने प्रकट होकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। वैसे ही आज भी मैं बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गई हूँ स्वामी जी। एक और अभय मिल नहीं रहे हैं, इस बात की चिंता है, और दूसरी ओर नाग माता का अजीब बर्ताव मुझे परेशान कर रहा है, और एक और कहीं अभय की बात सच तो नहीं, इस बात की भी उलझन है। ऐसे कई सारे सवाल हैं मेरे मन में, मुझे इनका जवाब चाहिए स्वामी जी। कृपया करके आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे सामने आकर उपाय बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए स्वामी जी। हे महादेव, मुझे कोई उपाय बताइए प्रभु। हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? ऐसे अचानक बिजली का कड़कना किसी बुरी घटना का संकेत तो नहीं है? अरे 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 अरे, ये सब क्या है मालिक? एक तो आप इतने दिनों बाद लौटे हैं और किसी ने आपको विष पिला दिया। कौन है वो पापी? उसे जीने का कोई हक नहीं है। कौन है मालिक? कौन है वो पापी? अरे छोड़ो ना यार। क्या मतलब? आपको विष किसने दिया ये आप जानते हैं? तो कहिए ना मालिक। नंदीश, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मालिक,
आपको विष दिया गया इस बारे में घर में सबको पता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन एक दिन पता चलना ही है। देखिए, किसने दिया है आपको विष बता दीजिए। अगर नहीं बताया तो मजबूरन मुझे सारे घर वालों पर शक करना होगा। किसने पिलाया, उसने पिलाया, किसने पिलाया है। देखिए मालिक, किसी एक की गलती के लिए सब पर शक करना ठीक बात नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बताऊं कैसे। विष देकर जिसने मुझे मारने की कोशिश की, वो मेरा भाई है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक, आपके भाई ने? मेरे भाई ने मुझे ड्रिंक ऑफर की थी, सोचा मेरे आने से खुश होगा, तो मैंने भी पी लिया। लेकिन उसका उद्देश्य था मुझे जान से मार देना। अब मैं ये बात कैसे बताऊं? जब सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मालिक, मालिक, जब से वो आया है देख रहा हूँ, उसकी हालचाल ठीक नहीं है। मुझे भी शक था उस पर, लेकिन अब आपने कह दिया तो कंफर्म हो गया। देखिए, एक दुष्ट इंसान को घर में नहीं रखना चाहिए। घर से निकालिए उसे, निकाल दीजिए। वो मेरा भाई है नंदीश, ये घर उसका भी है। घर से बाहर निकालूं तो कैसे निकालूं? अरे ये क्या है मालिक, उसने गलती की है, वो भी आपको मारने की कोशिश की है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसे तो इसके बाद वो मुझे मारने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी सतर्क रहना होगा। प्रणाम गुरुदेव। यहां क्यों आई हो? मैंने तुम्हें सूचित किया था ना कि नागमणि के साथ आदिशेष के संग तुम या मायगनी में से जो पहले मेरे पास आएगा उसे ये लोक प्राप्त होगा और दूसरे को इस लोक से बहिष्कृत किया जाएगा। मैं अपना काम कर रही हूँ गुरुदेव, लेकिन अभी एक रुकावट आ गई है। रुकावट कैसे? कुब्बा नक्षत्र की मानव कन्या की अगर मैंने शादी करा दी तो नागमणि से जो जीवात्मा दूर हुई है उसमें वापस समाहित हो जाएगी, ऐसा मुझे एक देवदूत ने बताया था। और उसी हिसाब से मैं ये शादी का कार्यक्रम करवा रही हूँ। लेकिन 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 क्या? यहाँ से भूलोक पर आई नाग माता मेरी पूरी तरह से मदद कर रही थी, लेकिन आजकल उनका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया है। इस माह में नाग यदि हल्दी को हाथ भी लगाए तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, मतलब अपने सर्प रूप में। इस विषय से संबंधित कोई उपाय जानने के लिए नाग माता यहाँ आपसे मिलने आई थी ताकि आप इसका कोई उपाय बता सके। लेकिन जब से नाग माता आपसे मिलकर भूलोक पर वापस लौटी, उनका बर्ताव बदल गया है। ये तुम क्या बोल रही हो? नाग माता तो यहाँ आई ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ कहा? नाग माता कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उन्होंने तुमसे झूठ कहा भी है तो वो नाग माता नहीं हो सकती। नाग माता अवश्य किसी मुसीबत में फंसी हुई है गुरुदेव। नाग माता का रूप लेकर कोई और मेरे साथ रह रहा है। गुरुदेव, अब अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं नागमणि और आदिशेष दोनों को खो बैठूंगी। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। अगर तुम्हारी कोशिश सच्ची है तो चिंता मत करो, उपाय तुम्हें जरूर मिल जाएगा। विशेष और मयूरी की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शादी का दिन तो आ गया। अब मैं इस शादी को कैसे रोकूंगा? नहीं रोक पाओगे। इस शादी को रोकना अब नामुमकिन है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे मन की बात कैसे पढ़ ली। मुझे सब पता चल जाता है भाई। जब दिग्विजय ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है, और ये शादी तो मैं करवा के रहूंगा।
ओम नमः शिवाय। महादेव परमेश्वर, 7 दिनों से नागलोक के आकाश में दिखाई देने वाले लाल रंग का इंद्रधनुष, रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले नक्षत्र, ये सब जरूर किसी महाविपत्ति की सूचना दे रहे हैं। ऐसा सोच ही रहा था कि शिवानी ने आकर नाग माता के बारे में बताया। नाग माता इस लोक की राज माता है, वो मृत्यु को स्वीकार कर लेंगी लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगी। झूठ बोलना उनके लिए किसी महापाप से कम नहीं। ऐसा होते हुए यदि राज माता ने झूठ बोला है तो इस पर मैं कैसे विश्वास करूंगा? जरूर किसी मुसीबत के कारण नाग माता को कोई परेशानी हुई है। इस संदर्भ में शिवानी की मदद करने वाली किसी भी शक्ति के साथ कुछ बुरा मत करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धनंजय, दिग्विजय, सब तैयार है ना? चले। अरे शिवानी कहाँ गई? शिवानी जी, आई आई, यही थी मैं। आओ बेटी। ये क्या बेटी, कहाँ चली गई थी? वो मैं कुछ काम से बाहर गई थी। ठीक है ठीक है, अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। शादी मुहूर्त में ही होनी चाहिए। अगर मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो सकता है, पंडित जी कह रहे थे, इसलिए जल्दी निकलते हैं। हाँ मालिक, आप? दरअसल मुझे एक काम आ गया है, आप चलिए मैं आता हूँ। ओह तो ये नहीं आ रहा, चलो अच्छा ही हुआ। मुहूर्त बीत जाने के बाद शादी नहीं हो सकती, मतलब मंदिर पहुंचने में मुझे देरी करवानी होगी। ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, अब जो शादी होने जा रही है वो महाविपत्ति का कारण है, वधु की आहुति दी जाने वाली है, ऐसा ज्ञात हो रहा है प्रभु। ये क्या है परमेश्वर? महादेव, इस शादी को कैसे भी करके रोकना होगा, ये कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। भोलेनाथ, आखिर आपने मुझे शुद्र शक्तियों के बंधन से मुक्ति दे ही दी भगवान। जय भोलेनाथ। ये क्या हो रहा है? उसने न जाने की शक्ति से मुझे बंदी बना लिया और न जाने की शक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। आज शुक्रवार है, आज मयूरी की शादी है, मुझे कैसे भी शादी को रोकना होगा। परमेश्वर, ये मुझे क्या हो गया था? ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, रक्षा कीजिए। ये अग्नि शक्ति मुझे उस दिशा में जाने का संकेत दे रही है। ये सब आपकी ही लीला है ना? आप मुझे जो भी राह दिखाओगे मैं उसका पालन करूंगा।
दमयंती, दूल्हा दुल्हन तैयार हो रहे हैं ना? माँ, इस शादी के बाद शिवानी के व्रत भी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मेरा बेटा त्रिशु वो भी घर लौट आएगा ना? हाँ बेटी, शादी के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने से वो दोनों सुखी रहेंगे और ये दोनों भी सुखी रहेंगे। हाँ माँ, ये सब देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। अरे दूल्हा और दुल्हन अभी तक तैयार हुए कि नहीं, चलो देखते हैं। मुहूर्त बीत जाए तो शादी नहीं होगी, मुझे बस इसी हिसाब से सारा काम करना होगा। ओ, मंगल सूत्र यही है, किसी भी तरह से इसे चोरी करना होगा। मंगल सूत्र उन्हें मिलना ही नहीं चाहिए, यहां तक कि हल्दी का धागा भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला तो मुहूर्त पक्का बीत जाएगा, क्योंकि शहर यहां से बहुत दूर है, वहां से मंगल सूत्र लाते लाते बहुत देर हो जाएगी। माँ, अभय तुम कहाँ चले गए थे? अरे अब वो सब छोड़िए, मयूरी से शादी करने वाला लड़का विशेष, वो इंसान नहीं है, वो सांप है। इस बात पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे भरोसा है, वो लड़का इंसान नहीं है, वो एक नाग है। ये सच्चाई मैं जानती हूँ, उस पापी ने मुझे बंदी बना लिया था। ना जाने किसी एक शक्ति ने मुझे मुक्त किया है। चलो बेटा, जल्द से जल्द जाकर इस शादी को रोकते हैं। हाँ माँ। परमेश्वर हमारा साथ दीजिए, इस शादी को रोकना ही होगा। महागुरु, गुरुदेव, नमो नमः। मार्गदर्शित कीजिए गुरुदेव। जी गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जल्द लौटूंगी। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शादी किसी भी हाल में होनी चाहिए मायांगिनी। हो तो रही है ना मोहिनी, दिखने से तो सब कुछ ठीक लग रहा है मायांगिनी, लेकिन संकट कहीं से भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है। नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुश्च शुक्रश्च शनिश्च रावे केतुवे नमः। शादी रोकने की कई कोशिशें की जा सकती हैं, और मैं उसे अपनी शक्तियों से रोक सकती हूँ, पर मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती मायांगिनी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर इसीलिए तो हूँ। मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ जरूर कुछ हो रहा है, नागमैदा ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर किसी और ने उनका रूप क्यों लिया है? वैसे जब ये मायांगिनी होती है तब नागमाता नहीं होती, जब नागमाता होती है तब मायांगिनी नहीं होती। मतलब कहीं मायांगिनी नहीं नागमाता का रूप तो नहीं लिया है? क्या ढूंढ रही हो शिवानी? नागमाता को ढूंढ रही हूँ मैं। नागमाता शायद उधर होंगी। शायद यही नागमाता का रूप लेकर मेरे सामने आती है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो वहाँ कहीं नहीं है। अगर इसे कहीं शक हो गया कि मैं ही नागमाता का रूप ले रही थी तो ये शादी रुक जाएगी। अब मैं क्या करूँ? वो
देखो शिवानी, नागमाता वो वहाँ है। वो नागमाता नहीं है शिवानी, मैंने मेरे मंत्र शक्तियों से वहाँ नागमाता की छवि बना दी है और अब वो वही बोलेंगी जो मैं उनसे बुलवाऊंगी। नागमाता? शिवानी? वो आप नागलोक जाकर गुरुदेव से बात करने वाली थी ना, तो आप उनसे मिली थी क्या? आप नागलोक गई थी क्या? मैं गई थी शिवानी। तो फिर हल्दी को हाथ लगाने पर हमारा रूप ना बदले, क्या इसका उन्होंने कोई उपाय बताया था? इसका कोई परिहार नहीं है, ये बात मैंने तुम्हें कल ही बता दी थी ना। तो फिर मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं बदली? वो मैंने अपनी विशेष शक्तियों से तुम्हें बचा लिया, चिंता मत करो। ऐसा करने के लिए महागुरु ने ही मुझसे कहा था। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए शिवानी, शादी में शामिल होते हैं, चलो। गुरुदेव ने तो कहा कि नागमाता आई ही नहीं, और ये कह रही है कि ये गई थी। आखिर ये कौन है? माया भी यही है, तो आखिर ये सब कर कौन रहा है? एक दूसरे को हार पहनाइए। क्या मैं मंदिर में क्यों नहीं जा पा रहा हूं? ये सब क्या हो रहा है? मोहिनी, ये बंधन से आसानी से कैसे छूट गया? मंत्र बंधन, शक्तिहीन तो नहीं हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा मायंगिनी, ये कैसे संभव है? कोई शक्ति मुझे रोक रही है, क्या करूं? अगर अंदर नहीं गया तो इस शादी को रोक नहीं पाऊंगा। नहीं, अवश्य इसके पीछे कोई शक्ति है। अगर ये छूट गया है तो नागलोक वाले सभी बंधन मुक्त हुए होंगे। अब इनसे हमें परेशानी हो सकती है मोहिनी, अब हम क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो या कोई भी बीच में आ जाए, ये विवाह नहीं रुकना चाहिए मायांगिनी। दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मंगलसूत्र दीजिए, पूजा करनी है। जी। माँ, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। हे भगवान, थोड़ी देर पहले मैंने यही देखा था। देखो, वहां देखो। माँ, कहीं भी नहीं दिख रहा। कहीं नहीं दिख रहा? मुहूर्त का समय होने को आया और मंगलसूत्र नहीं है। आचार्य जी, आप घबराइए मत, मंगलसूत्र यहीं कहीं होगा, ढूंढ लेंगे। पंडित जी, आप वहाँ देखिए, शायद वहाँ होगा। दमयंती, तुम एक काम करो, हल्दी की गांठ है ना, तुम वही दे दो। हाँ, दे दो। माँ? हाँ? हल्दी की गांठ भी नहीं मिल रही। हे भगवान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। इस तरफ भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे कैसे भी किसी भी तरह से शादी को रोकना होगा। बस यही एक रास्ता बचा है, पता नहीं मैं और क्या करूं। हे भगवान, ये कैसा अपशकुन है, मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी? क्या हुआ है,
मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। मंगलसूत्र नहीं मिल रहा? ओ, यहाँ कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये शादी हो। मंगलसूत्र यही तो है। मंगलसूत्र को तो मैंने दूर फेंक दिया था, फिर ये यहां आया कैसे? कैसे? ये लीजिए पंडित जी, मुझे ये शादी रोकनी होगी। हे महादेव, यदि यह विवाह हो गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, इस विवाह को रोकने वाले हाथों को और बलवान बना दीजिए। यहाँ तो कोई नहीं है। शिवानी जी, ये शादी रोक दीजिए प्लीज। शिवानी जी, अभय। माँ, तुम यहाँ? शादी को रोकने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, कोई शक्ति मुझे रोक रही है। अच्छा, माँ संभल के। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, सारी दुष्ट शक्ति एक साथ मिलकर ऐसा कर रही है, तभी ये संभव है। ओम फणिंद्राय नमः। चलिए मां। नहीं माँ, हमें कुछ भी करके शादी को रोकना होगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शिवानी जी, शिवानी जी प्लीज। नागमाता, अब है? नागमाता, आप यहाँ? तो फिर अंदर कौन है? ओह, मुझे लगता है वो जरूर मायांगिनी होगी। नहीं, मायांगिनी भी वहीं पर है। शिवानी, अब उन सारी बातों के लिए समय नहीं है, हमें इस शादी को रोकना होगा। हाँ शिवानी जी, हमें शादी को रोकना होगा, वरना मयूरी की मृत्यु हो जाएगी। शिवानी, ये शादी होना असंभव है, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं, वो एक नाग है। नाग? हे भगवान, चलिए चलते हैं। शिवानी, हम दोनों अंदर ना आ पाए इसलिए दिग्बंधन डाला है उस मायांगिनी ने। समय व्यर्थ मत करो शिवानी, जाओ जल्दी जाकर रोको उन्हें, जाओ। हाँ ठीक है। हे परमेश्वर, मंगलसूत्र पर आशीर्वाद ले लीजिए। नाग है, विवाह को रोक दीजिए।
आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है? विवाह को रोक दीजिए। तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी शिवानी, कोई और तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। मंगलसूत्र पहनाइए। शहनाई बजाइए। नहीं नहीं अभय, शहनाई की आवाज आ रही है। जल्दी पहनाओ। रक्षा करो हे प्रभु, रक्षा करो परमेश्वर। अबे जल्दी। हाँ मां। शिवानी जी यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? चलिए शादी को रोकते हैं। ये क्या, विवाह संपन्न हो गया तो दिग्बंधन भी टूट गया? अभय भैया। दीदी मेरा विवाह हो गया भैया। दीदी विवाह संपन्न हुआ, उस मानव कन्या के साथ मेरे शेष नाग का विवाह संपन्न हुआ, अब नागमणि सिर्फ मेरी होगी। अब ये मेरे और मेरे शेष नाग का समय है, मतलब अब नाग लोक वालों के लिए भयभीत होने का समय है। श्राप के ताप से मेरा शेष नाग इतने सालों से भूगर्भ में लुप्त होकर रह गया था, उसी समय से अब तक मेरे अंदर जलने वाली बदले की आग में पूरा नाग लोक जलकर भस्म हो जाएगा। प्रेत लोक का नाश करने वाले नाग लोक के नाश का समय